ਫੜ ਲਏ ਆਪਾਂ ਪਾ ਆ ਸੰਕਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੀਵਰ ਫੁੱਲ ਡਾਊਨ ਆ ਦੋਈ ਆਪਾਂ 700 ਜਾਂ 800 RPM ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਆ हाँ जी मित्रों वेलकम है जी सारिया का अपनी न्यू वीडियो बच्चे तो आप किया घोड़ा खड़ा तो कल आप सरों बढ़ी सी तो वो तो आप मारिया रूटावेटर तो रूटावेटर मार के तो थानू पाया तो हम आप लगे हाँ उसे हल मारन आप रूटावेटर तो ये मगरे पाया रहन देना है मैं लगता भी हल मार के दोबारा आप रूटावेटर मारना पैना है इतना रूटावेटर मार देवे तो आप अपने 36-30 के नाल ये करते हैं फला ना बहाई इन कर लीए आप स्टार्ट गर्म हो जाऊगा अभी है निपड़े खड़ा हूँ कम के दिन आ गया अज वीडियो आप बनानी पैनी है साड़ा जवान है नहीं गा अच्छू मैं साइड से कर दी आप पहला मैं मित्रों हल लाए आप पा तो हम आप चलते हैं खत्ते बोते हैं 11 हल बड़े छोटे है मगर लगते है देखते हैं झोटा अपना 11 हलों के फुल लीवर डाउन तो किड़े गेयर च कि चलता शुक्ल जहा करते हैं एक ना मित्रों जो हला ना बोना हों ना आ संकल की सैटिंग जरूर कर लिया करो कड़ी के आज अपना टायर के बच्चे ना लगे जा गया लिंक आ संकल आप जिन्ना ही एन इनू सैटिंग यदि करा उन्ना ट्रैक्टर अपना सौखा मुड़ूगा हले अपन होर ढिला करना पैना संकल ये आम कई भरा कह रहे हैं ना मोड़ते हटा ट्रैक्टर पर धक्की जाता है मुड़ता नहीं गा है तो इनू ढिला करो संकल न जाने के बस इन्ना कि ढिला करना है लिंक टायर च ना लगन बस जो आप ट्रैक्टर मोड़ना आ देखो ना लिंक अपन ट्रैक्टर मुड़ता बहुत सौखा मोड़ तो आओ देखो हम भी अपना है ना लग गया सही है एक मेरा भीर होर मेरे भरा स्पैशल हॉलैंड वाले जो भी पढ़ाई करनी है आ लोग बाहर चाहिए ठीक है हर उत्ते लगा चाहिए जो ये बच्च लग जाता है ना तो फिर हल्ला से सेंसिंग करनी ट्रैक्टर बंद कर देता है तो कई भीर यह प्रॉब्लम आती है ट्रैक्टर जोर बहुत लगता फिर तंग परेशान होंगे कई भरा इनू हमेशा ही हड़ा के उत्ते कट के इतने रखना है लॉक ला के रखना सेंसिंग रखनी है 2 नंबर के उत्ते इन 2 नंबर से रखना है आले पॉइंट में सेंसिंग बहुत वधिया करता लै मित्रों आप हम पहले हाई च देखते हैं लीवर फुल डाउन है दो पहला आपू बड़ा नहीं आप 14-15 किलो RPM में चला के देखते हैं लीवर फुल डाउन है तो जी
दूआ देखते इतने ला गया अपना आ दूआ लग गया हो गया जो आप पहला हाड़ लैके लंघ के गए हैं टूए च कोई परवाह नहीं हैगी इन फुल लीवर डाउन से भी आप गहर पानी है इन 15,000 RPM से आप टैके हैं लगे हैं मैं गहर है चंगी तरह पूरी लिफ्ट छट के आप थले ने पट लीए इन देखो तो लगता हूँ आप पहले हाई च फुल लीवर डाउन दूजे च तीजे च आप देखते हैं चला के की परफॉर्मेंस दिता है कितना दिता परफॉर्मेंस पहला पहले च तोड़ते हैं हाँ पहला जिहड़ी सही बहाई है ना हुण जो आप जिथे रख के चलाउणा आ इत्थे रख के लीवर चलदे जिहड़ी आप नॉर्मल बहाई है ते पहले हाई दे विच ठीक है इत पता भी नहीं लगता है इंजन तो RPM भी आप देवे तो ट्रैक्टर उस वे कवर करता हाँ देखो अपने आने 2800 RPM है फुल 2800 RPM है 100-150 RPM थले रहा इन्ना होल एंड रूपरी पंप का RPM थले रहना ही है
देख लो पहले हाइट है आर्मी आप ही देख लो जग का हालत ये भी नॉर्मल मीडियम आ जाता है पोलैंड का जिते सख्त भाई करने मेरे वजह का राइडर को पता ही नहीं लगता बिल्कुल ही मेरे मगर कोई सामना हंगा नहीं है पहले तो बड़ा है ना तीया मीडियम आ जाता बाकी हॉलैंड वाले भरावान तो पता ही है ये बाकी वीर ही है जिन्होंने नहीं पता ये वैसे भी नॉर्मल ड्राइड में चलना कोई लोड नहीं है ड्राइड में अपने ना कई भरा कह रहे हैं जी हॉलैंड ज्यादा आर पी एम चलता है ठीक है जी आपां पहले हाई दे विच फुल लीवर डाउन करके ना आपां 700 जां 800 आर पी एम ते करके इहनूं रुकना आ आ हाई लगा आ ते आ पहला ते लीवर दो ही डाउन आ अरे आपां अरे 800-900 आर पी एम ते करके इहनूं छड्ड देना आ लो हुण आपां इहदी आयर आइडल आर पी एम से चलता है एन आइडल आर पी एम से चलता है चलते हाले इतने आ देखो इन्नी मिट्टी हालां कट्ठी होकर चलती है पिछे हगे तो हॉलैंड के हिसाब के 11 हाल कख भी नहीं गए है पर फिर भी ये दब गए बहुना तो 11 हाले ट्रैक्टर की बस करा देंगे इन्नी मिट्टी कट्ठी होकर बच्चे चलती है तो आप टायर चो भी हवा बहुत घटाई आखो टायर उदा ही हिलते हैं नहीं तो ट्रैक्टर ने स्लिप मारी जानी सी तो वजन भी तुम्हें पता पिछे है बाकी 2.5-3 क्वांटल पेटी का वजन आ उत्ते उड़े अपने दे 5-5.5 क्वांटल तो पिछे भार आ नहीं तो स्लैप का 11 हाले ट्रैक्टर की कढ़ा देंगे 11 हाल तोरने नहीं देंगे है चलो ठीक है मित्रों मिलते हैं आप इन हुण मैं कंप्लीट कर लेना आ 2-4 गेड़े रह गए मिलते हैं नवी अगली वीडियो के आप एंटरटेनमेंट ये वीडियो बनाई सी
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ।